हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है, हमने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट टू लेक्चर में हमने फॉर्मूला सारे क्लियर किए थे और लास्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 13.1 है उसके 5 सवाल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो बाकी के 4 सवाल है, 6, 7, 8 और 9, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। सी द गिवन फिगर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो एक ऐसा कैप्सूल दिया है, कैप्सूल का नाम मत लो, अभी दवाई नहीं खानी। ठीक है, अभी इस फिगर को देखो, हम ऐसे बना सकते हैं लाइक दिस और टू हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक है, ऐसे टू हेमिस्फेरिकल एंड है। तो पूरा जो लेंथ है कैप्सूल का, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा लेंथ है वो है 14 mm। वैल्यूज mm में दी है यहाँ पे, और डायमीटर इसका बोला है मीन्स ये इट इज 5 mm। ठीक है, फाइंड इट सरफेस एरिया पाई 22/7 हमें कंसीडर करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे देखो, एक सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले दो पार्ट्स बना दो, डिटेल्स लिख दो सारी। हेमिस्फीयर तो उसका डायमीटर क्या है, दैट इज गिवन 5 mm। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, डी बाई टू, तो दैट इज 5/2 mm। सिलेंडर है उसके डायमेंशंस लिख दो। तो सिलेंडर में देखो उसका रेडियस कितना, इतना ही होगा, दोनों का सेम रेडियस बनेगा यहाँ पे, दैट विल बी 5/2 mm। ठीक है, इसलिए दोनों का रेडियस का जो सिंबल है वो हमने सेम रखा है। अभी सिलेंडर का ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है उसको हाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि हम हाइट के टर्म्स में फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये एच का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट विल बी दिस एच। तो देखो पूरा लेंथ 14 है और ये हेमिस्फीयर, उसका जो ये लेंथ रहेगा वो रेडियस के बराबर होगा ये। तो रेडियस कितना है, 5/2। तो यहां से 2.5 और यहां से 2.5 हटा दो 14 में से, तो एच विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ, दैट इज लेट्स से एल। तो टोटल लेंथ दिया है माइनस माइनस 2r, तो h विल बी इक्वल टू 14 माइनस 2 इनटू 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो हाइट क्या होगा सिलेंडर का, दैट विल बी 9। ठीक है, तो ये हाइट आ गई, ये रेडियस है। चलिए अभी सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये सर्कल्स तो दिखेंगे नहीं, ठीक है, बाहर से जो दिखता है उतना एरिया कंसिडर करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो वो कितना होगा, सो दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सो सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2πRh, ये होगा 2 into 2πr². तो यहां से 2πr कॉमन दिख रहा है, निकालो बाहर 2πr, ये एच प्लस 2r। ठीक है, 2πr निकल गया, ये 2 और ये r बच गया अंदर। चलिए अभी वैल्यूज पुट कर दो सारी, 2 into 22/7, रेडियस कितना है 5/2, यहाँ पे लिख दो 5/2, हाइट कितनी है 9, प्लस 2 into r कितना है 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, और ये 22 into 5/7 इंटू ये 9 + 5, सो दैट विल बी 14। ये 7 1 और ये 2 जा, ये 5 into 2, सो दैट विल बी 10 और 220। और यूनिट कौन सा है, mm, सो दिस आंसर विल बी टर्म्स ऑफ mm². ठीक है, सो कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आएगा, 220 mm². बढ़िया है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन 7 देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 7। अ टैंक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो सिलेंडर के ऊपर एक कौन है, सिलेंडर के ऊपर एक कौन है? चलिए तो ये बना दिया कौन। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, तो इसकी जो हाइट दी है वो है 2.1 मीटर, ये हाइट है, और डायमीटर दिया है 4, तो ये होगा 4। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, तो ये स्लैंट हाइट दी है 2.8 मीटर। बढ़िया, चलिए फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग दिस टेंट। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो शेप है, एक कोन है और एक सिलेंडर है। तो कोन की स्लैंट हाइट हमें यहाँ पे दी है, दैट इज एल, और उसका लेंथ है 2.8 मीटर। अभी देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है अगेन 4 मीटर, तो रेडियस निकाल लो डी बाई 2 से, तो दैट इज 4/2, तो रेडियस आएगा 2 मीटर। तो कोन का और सिलेंडर का दोनों का रेडियस सेम है, तो इसका भी होगा डी बाई 2, तो रेडियस ऑफ कोन विल ऑल्सो बी 2 मीटर। बढ़िया है, वेरी गुड। अभी इसकी हाइट दी है 2.1 मीटर, तो हाइट भी दी है यहाँ पे। चलिए अभी टोटल कैनवास का जो एरिया है वो हमें यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे एक नोट दी है, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। तो यहाँ से ये बंद नहीं है, ठीक है, और यहाँ से तो खुला ही रहेगा, तो सिर्फ सी ए से कंसिडर करना होगा। सो टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज, तो दिस इज सिंपल, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। चलो पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए क्या होगा, 2πRH, तो कॉमन निकल रहा है पाई आर, निकाल लो बाहर, यहाँ पे होगा एल प्लस 2H। बढ़िया, तो पाई का वैल्यू 22/7 ही कंसिडर करना है, तो रख दो इंटू 2, एल का वैल्यू क्या है 2.8 प्लस 2 इंटू एच का वैल्यू क्या है 2.1, तो 22/7 इंटू 2 2.8 प्लस ये कितना होगा 4.2। तो यहां पे देखो 4 और 2 6 और 0.8 और 0.2, तो वो होगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल एरिया ऑफ कैनवास यूज, ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा 44 मीटर स्क्वायर। चलिए अभी ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट फाइंड करना, यहाँ पे रेट कितना दिया है, रेट गिवन इज ₹500 पर मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर स्क्वायर का 500, सो यहाँ पे ऐसे लिख लो एरिया दैट इज इन मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट दैट इज इन रुपीज। सो एक मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज, सो हमने निकाला 44 मीटर स्क्वायर, तो उसका कितना आएगा, ठीक है, सो टोटल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू 44 इंटू 500, तो ये होगा 220 और 00, तो आंसर विल बी 22,000। क्या आएगा आंसर, टोटल कॉस्ट विल बी 22,000। ये भी आसान सवाल था, ठीक है, कैंसलेशन हो जा रहा है इसमें, तो जल्दी से ये भी कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन 8 आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सिलेंडर है यहाँ पे, और ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसका मतलब दोनों साइड से ये क्लोज्ड है। अभी एक कोन इसमें बनाया है ऐसे अंदर, इट इज कॉल्ड लाइक दिस,
ऊपर का जो सर्कल है वो तो गायब हो गया, ठीक है। अब ये नीचे का सर्कल बचा है, ठीक है, सॉलिड है, और ये इसमें कॉनिकल कैविटी बनाई है, ठीक है, इसके अंदर। अभी इसका टोटल सरफेस एरिया में निकाल दें, तो पहले सोचो आराम से कि कितना सरफेस विजिबल होगा। ठीक, ये सर्कल विजिबल होगा जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, फिर ये सिलेंड्रिकल सरफेस विजिबल होगा, ठीक है, ये वाला पूरा। देखो ये कोन तो उसके अंदर है, तो जो सिलेंड्रिकल का वो बाहर का सरफेस है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, पूरा ऐसा गोल कोन है। ऊपर से अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं क्योंकि कैविटी बना दी है, तो कोन का जो सरफेस है ये, कोन का ये सरफेस है वो विजिबल होगा। तो ये जो सी एस है इसका, दैट विल बी 2 पाई आर एच, और ये कोन का है दैट विल बी पाई आर एल, ठीक है। तो इन तीनों को बस जोड़ना है ताकि आंसर आ जाए। चलिए, हाइट दिया है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर, तो एंटायर हाइट इज गिवन 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर बोला है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने इसको। अभी यहाँ पे दो शेप है हमारे पास, एक है सिलेंडर और दूसरा है कोन। अभी देखो सिलेंडर में हमारे पास क्या अवेलेबल है, हाइट, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है इसका डी, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस कितना होगा, डी बाई टू, 1.4 बाई 2, तो रेडियस आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। चलिए, सो हाइट आ गई हमारे पास और आर आ गया, तो वही दो चाहिए, ठीक है, रेडियस भी अवेलेबल है। अभी ये एल वो हमारे पास नहीं है, सो सबसे पहले कोण का जो रेडियस है वो इतना ही होगा डी बाई टू के जितना, तो कोण का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर, और कोण का सेम हाइट बोला है, कोण का क्या सेम हाइट बोला है, तो इसका हाइट जो है वही कोण का हाइट है, उसको एच नोट कर दो 2.4 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखो हमें एल चाहिए, तो एल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच कितना है 2.4, तो इसको ऐसे लिख दो 24/10 का होल स्क्वायर, इसको लिख दो 7/10 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 576 + 49, और नीचे आ जाएगा 100, ये हो गया एल स्क्वायर। सो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट 625/100, सो दैट विल बी 25/10, तो एल कितना निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आसान चीज है क्योंकि अगर ट्रिपलेट याद है आपको 7, 24, 25 की, तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये 2.5 आने वाला है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। चलिए, अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो बेस का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होगा पाई आर एल प्लस ये होगा 2 पाई आर एच प्लस ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से कॉमन कौन आ रहा है, पाई आर को बाहर ले लो, यहाँ पे एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 एच, यहाँ पे आर, सो पाई, पाई क्या कंसिडर करना है, दैट इज 22/7, ठीक है, चलो 22/7 रख दो यहाँ पे। रेडियस क्या है 0.7, तो इसको 7/10 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एल एल कितना है वो भी फाइंड किया, 2.5 प्लस 2 × h, h क्या है 2.4 प्लस रेडियस यहाँ पे लिखते हैं 0.7, 7 से 7 कैंसल, ये होगा 22/100 इंटू, अब इसको इवेल्युएट कर लो, ये होगा 4.8, 4.8 और 2.5, 6, 7.3, 7.3 और 0.7, तो ये बन गया 8, ठीक है। सो 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 176/10, तो ये बन जाएगा 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी देखो इसमें बोला है, अबे इसमें बोला है नियरेस्ट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, नियरेस्ट टू सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर अब लिखोगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आखिरी क्वेश्चन नए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 9, आखिरी सवाल एक्सरसाइज का देख लेते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पे भी देखो एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, था है नहीं, क्योंकि इसमें से हेमिस्फीयर ऐसे स्कूप आउट कर लिए, ठीक है। उसमें कैसे कोन का एक कैविटी बनाया था, ऐसे दोनों साइड से हेमिस्फीयर ऐसे स्कूप कर लिया, निकाल लिया बाहर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस 3.5। चलिए अच्छा है, पहला सवाल ऐसा है जिसमें रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें हाइट दिए ये। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। चलिए तो हेमिस्फीयर दिया है इसमें, और सिलेंडर दिया है। तो देखो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और पूरा जो हाइट है इसका सिलेंडर का वो दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 3.5 ही बनेगा। चलिए इतनी चीजें तो क्लियर है, हेमिस्फीयर में एक ही पैरामीटर चाहिए। अभी डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया चाहिए आर्टिकल का। तो ये देखो ये सरफेस है वो तो दिखेगा पूरा सिलेंडर का, ये पूरा ऐसा गोल सरफेस जो है, ठीक है, वो दिखेगा। तो दिस इज 2πRH। अभी ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे तो कैविटी बना दिया, स्कूप आउट किया है, तो ये सरफेस दिखेगा हेमिस्फीयर का, दिस इज 2πR2। और नीचे से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला सरफेस पूरा दिखेगा 2πR, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को जोड़ना है सिर्फ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल दैट विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होगा 2πRH प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कितना है 2πR2। सो कॉमन क्या निकलेगा 2πR, निकाल लो बाहर H, और यहाँ पे 2πR निकला तो ये 2R बचेगा अंदर। चलिए सही है, तो 2π क्या कंसिडर करना है, दैट इज 22/7। यहाँ पे रेडियस 3.5 है, इसको लिख दो 35/10, अंदर 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। तो 7 वन्स है और ये 5 5 2s are 10, 10 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 22। ये कितना होगा 10 प्लस 3.5 इंटू 2, सो दैट विल बी 7, सो 22 इंटू 17, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में यूनिट दिया है, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज हमने जैसे बोला था कि चार सम्स करेंगे 6, 7, 8, 9, तो वो चार सम हमने यहाँ पे खत्म किए। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।